यहाँ मैदानमा घाँस काट्न आएको कि छैन रहेछ र हेलो एभ्रिवन, आज जनवरी 15 तारिक मकरान्त संक्रान्ति और आज मैं जा रहा हूँ फिर से ताकाथांग, क्योंकि वहाँ से इनविटेशन आया है गांव को और हम लोग जा रहे हैं और टाइम भी बहुत हो गया था, ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ तो उसी जॉब के चक्कर में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ मैं। और कोई नहीं, अभी तो कर रहा हूँ। और हजार मैथी सा भाई, यह है मेरा दादी पापा के मम्मी। अभी तागाथाङ जाँदै गरेको नि, तागाथाङ बोलाएको थियो कि अन्त हामी छ एक दुईजना दाजुहरूसँग माथि हजुर को को भन्नु आइ गर्दैन यसरी हुन्छ हजुर र भाइ नाइस टु सी यु, होइन तिमीलाई फेरि पनि भेटेँ, मजा आयो, खुसी लाग्यो। होइन महेश दाले रिक्वेस्ट, है महेश दा होइन मैले होइन होइन म त घाँसमा म घाँसमा जानु आँटेको थिएँ कसम। ए अन्त हामीले भन्दा चाहिँ के भन्छ त? होइन यहाँ भनेको चाहिँ अलिक ठुलै बजेट मान्छे मान्छे मनले धनी हुन्छ क्या, धनले होइन क्या। यस र धनी चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ मेरो एउटा ब्लगरले भनेको, धनी चाहिँ नि कमाएर होइन क्या, बचत गरेर अरे, सेभिङ गरेर चाहिँ धनी हुन्छ अरे। थपडी एकताल भएर कुरोहरूमा कुदाउनु भनेछ हौ, यो नगर न सस्तो खालको ज्याकेट। हेलो ब्रदर, अन्त हामीले भनेको कुरा चाहिँ के हो? अब के भन्नु, एकैछिन भाउजू एक्साइटेड त अब के भन्नु, मेन एक्साइटेड चाहिँ यता हो। हेलो बहिनी, र मैले भाइ सानो भाइ भाइ यहाँ पुगिसक्यो हो अहिले, हो अहिले कति बजे घडी पनि छैन रहेछ, सायद दुई बजे होला, दुई बजे चार बज्न आँटिसक्यो कसम। यहाँ पे डोनेसन के लिए कलेक्ट हो रहा है पैसे, तो ऐसा ऐसे मिला के हम लोग यहाँ पे ताकतांग वैली फेस्टिवल जो चल रहा है तो इसके लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं हमारे बंदे। भाई आपको कुछ कहना है? मुझे ये कहना है कि शानदार शानदार, अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखा नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, अभी बाहर से मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा ही है, जाके देखेंगे कैसा है।
और एक दिन आके मुझे ऐसा लग रहा है मतलब अंदर से कुछ अच्छा होगा ऐसा लग रहा है। चले चलते हेलो खम्रिमो नमस्कार सेवानी हामी सबै जातको भयो अरु के मतलब राख्नुस् आजको प्रोग्रामको बारेमा आज माघे संक्रान्ति है यो बडिङ फेस्टिवल यो फर्स्टचोटि भएको दार्जिलिङमा र एकदमै आज सफल भयो र सफल बितायो अनि त्यति नै होला के भन्नु बोली भन्नु ल तो यहाँ पे गेस्ट के लिए चाय बिस्किट सेलरोटी और ये सो हमारा गुड मॉर्निंग हो चुका है एकदम गरम गरम चाय के साथ चीनी वाली चाय। सुबह के अभी 6 बज रहे, दो भाई भी उठ चुके हैं। नवीन भाई नहीं आ रहा ना, गुड मॉर्निंग। और ये हमारा आंटी है जो एकदम खाना वाना से लेके चाय से लेके सब कुछ हमें हैंडल कर रही है। अरे उनका बेटा और यहाँ पे किचन। मुझे इसको खाती सुखी भाई मलाई त रिस उठेपछि उठ्यो उठ्यो क्या मलाई चाहिँ एकताल मन दुखेर फेरि फर्किँदैन त्यस्तो खालको छ।